नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई के अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं TGT PGT लेटेस्ट न्यूज टुडे, वेटिंग लिस्ट TGT PGT, यूपी पुलिस भर्ती 2023, नए आयोग के गठन को मिली मंजूरी, इग्नू 2, TGT PGT और PRT भर्ती न्यूज। जानिए सब कुछ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत। बेसिक से उच्च तक शिक्षकों की भर्ती अब एक जागी आस। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का रास्ता साफ हो गया है। प्रयागराज होगा इसका मुख्यालय। योगी कैबिनेट ने आयोग के गठन के विधेयक समेत 32 प्रस्ताव की मंजूरी। नए आयोग के अस्तित्व में आते ही TGT PGT PRT और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और UPTET वगैरह की भर्तियों को अब रफ्तार मिल जाएगी। नए आयोग के बनने से अब शिक्षकों की भर्ती का रास्ता। यूपी पुलिस भर्ती 2023, यूपी पुलिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द हो सकता है जारी। आयु सीमा को लेकर अभी भी यूपी पुलिस में कुल 62,000 पदों पर होनी है भर्ती। यूपी पुलिस में कांस्टेबल ही नहीं बल्कि SI कंप्यूटर ऑपरेटर के पद व क्लरिकल कैंडर में भी भर्ती होनी है। यूपी पुलिस के मुताबिक 62,424 वैकेंसी भरी जाएंगी। यूपी पुलिस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,469 सब इंस्पेक्टर, नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर 52,699 कांस्टेबल एवं समकक्ष पदों में 2,430 रेडियो संवर्ग और 545 लिपिक संवर्ग और 927 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर चल रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय में वैकेंसी आई है। ये नोटिफिकेशन 15 जुलाई का है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर TGT PGT और PRT में भर्ती आई है। आपका जो है आवेदन 15 जुलाई से स्टार्ट होकर के लास्ट तारीख आपकी 14 अगस्त है और इसके बाद भी बचे हुए हैं व्यक्तियों के लिए जो रह जाएंगे तो 21 अगस्त लास्ट है। यहाँ पर वैकेंसी कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की एकेडमी की अलग अलग टोटल वैकेंसी भी दी गई हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जो यहाँ पर आवेदन करना चाहता है वो आवेदन कर सकता है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी जनरल SC ST OBC और EWS में कितनी वैकेंसी है आप देख सकते हैं। वैकेंसी आई है बायोकेमिस्ट्री, बोटनी, बिजनेस केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, हिंदी, विज्ञान आदि की वैकेंसी आई है। इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते। ये वैकेंसी MP अर्थात मध्य प्रदेश में आई है। प्रतीक्षा सूची से एडिड कॉलेजों को मिले 117 शिक्षक। प्रशिक्षित स्नातक TGT 2021 में चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त 4 विषयों के 130 पदों पर प्रतीक्षा सूची से चयन के लिए काउंसिलिंग को शिक्षा निदेशालय में हुई और 130 पदों के लिए 415 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। 117 को कॉलेज आवंटन कर दिया गया है। यही अभ्यर्थी न मिलने के कारण कुछ पद खाली रह गए हैं। योग्य अभ्यर्थियों के अभाव में कुछ सब्जेक्ट के पद खाली रह गए हैं जिनमें कृषि, जीव विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य आदि में पद रिक्त चल रहे हैं और इनके लिए वेटिंग लिस्ट यानी थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी करने की भी संभावना जताई जा रही है। खाली रह गए पदों के लिए शिक्षकों की हुई काउंसिलिंग। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में चयन के बावजूद कार्यभार ग्रहण न करने से खाली रह गए प्रशिक्षित स्नातक TGT 2021 के लिए विज्ञान, संस्कृत, उर्दू आदि विषय में नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग हुई। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।